हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम भारत की पांच सबसे स्पेशल कमांडो टीम के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है पैरा कमांडोज। भारतीय पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स है, जिसका गठन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। पैरा कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट के हिस्सा होते हैं, जो कि स्पेशल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। पैराशूट यूनिट भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी हवाई यूनिट है। पैराशूट यूनिट का कार्य दुश्मन के इलाके में धीरे से लैंड करना और दुश्मन की पहली रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करना होता है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी इनका उपयोग किया गया था। दोस्तों, दूसरा है मरीन कमांडो, जिसको मार्कोस भी बोलते हैं। वर्ष 1985 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्सेज का गठन हुआ था। 2 साल बाद इसका नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया। मार्कोस एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो भारतीय वायुसेना के अंतर्गत कार्य करती है। सेना की इस यूनिट का गठन वर्ष 1987 में हुआ था, जिसे किसी संदिग्ध हालात में सीधी कार्रवाई की छूट होती है। मार्कोस यूनिट में 1200 कमांडो होते हैं। यूएस नेवी सील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे घातक स्पेशल फोर्स है, जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स होती है। तीसरा है गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना का हिस्सा होते हैं। भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में से यह सबसे कठिन और लंबी होती है, जो कि 3 वर्ष की होती है। यह भारतीय सेना की सबसे युवा स्पेशल फोर्स है। मौजूदा समय में करीब 1080 गरुड़ कमांडो देश की सुरक्षा में तैनात है। इसकी जिम्मेदारी देश के वायु सैन्य बेस की सुरक्षा करना होता है। वायुसेना के हमलों के दौरान इनका कार्य घायलों और उनके सहायता देना होता है। गरुड़ कमांडो अत्यधिक हथियारों से लैस होते हैं। इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई अतिक्रमण करने से स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खासतौर पर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा है घातक फोर्स। घातक फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी है, जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त भारतीय सेना के आगे चलती है, मतलब कि जंग में, लड़ाई में। ये दुश्मन के तोपखाने पर हमला करने में माहिर होते हैं। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि वे उनके एक एक जवान कई लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आखिरी है एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है। इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को रोकने और देश में आंतरिक व्यवधान को संभालने के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी। एनएसजी कमांडो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, यही थी भारत की 5 सबसे स्पेशल कमांडो टीम। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।